शांति ओम शांति। टुडेज मूवी डेट इज 25/11/2012 और आज दैट इज 25th November 2012। हम अपने प्राण प्यारे मुक्तधारी सो वी विल लिसन टू आवर डियर डियर अव्यक्त बाप दादा रिवाइज अव्यक्त मुरली। तारीख है दिस वॉज फर्स्ट स्पोकन ऑन 12th October और 1975 मुरली का द हेडिंग ऑफ टुडेज मुरली इज समाप्त इंस्पिरेशन कंप्लीट टू फिनिश ऑल कंप्लीट एंड बिकम। देखो क्या प्रेरणा हमें बाबा से मिलती है। सो लेट अस तो सी व्हाट इंस्पिरेशन बाबा इज गिविंग अस थ्रू दिस मुरली। बाप दादा स्टार्ट्स दिस मुरली देह की स्मृति से न्यारे आस्किंग अ क्वेश्चन आत्मिक Do you have स्वरूप the firm practice of being incorporeal and beyond the consciousness of the body of stabilizing in soul consciousness and of observing your own part and the parts of others as a detached observer like the father. Further, Baba is asking a question in the Murli, do you constantly have the stage of a detached observer in your consciousness? इस ड्रामा को So Baba is asking, do you constantly have the stage of a detached observer in your consciousness? जो भी हमारा पार्ट है, So Baba is asking. तो बाबा कहते हैं ये स्मृति so रहता is first है asking, are we soul conscious स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। फर्दर बाबा सेज अनलेस यू कॉन्स्टेंटली हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर यू कैन नॉट यानी बाबा मेरा साथी बाप दादा योर कंपेनियन मुझे साक्षी होने की सो बाबा सेज तो हम साक्षी होकर के देख सकेंगे of साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव क्योंकि हम साक्षी बने माना न्यारे हो गए न्यारे होकर के किसके प्यारे बने so बाप Baba के प्यारे बने saying तो हमें ऑटोमेटिकली बाप की साक्षी क्या साथी की याद आती है। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। You consider yourself to be God's friend, do you not? इसको हम एक स्लोगन के रूप में भी याद रख सकते हैं। So Baba statement फिर बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं ऑफ द स्टेज ऑफ अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर एनेबल्स यू टू एक्सपीरियंस द कंपेनियनशिप ऑफ द फादर कि खुदा को अपना so खुदा दोस्त समझते हो ना दिस क्वेश्चन अर्थात अपने you मन consider का yourself to be God's बाप friend, दादा को do you बनाया not? है That मन is, के मीत you से have मन made के बाप दादा कोई भी your closest संकल्प friend, छिपाते नहीं have you not? तो बाबा कहते हैं दिल की बात कोई भी so Baba मन मीत saying, से छिपाते तो नहीं हो the father, तो ऐसा the मन conqueror का मीत बाप of दादा your को heart? बनाया है दिल का Again, दिल वाला बाप Baba को बनाया है asking, एक दिल वाला बाप के सिवाय Not wanting to share the secrets of your heart with anyone other than the Father, the conqueror of your heart, even in your thoughts. Baba says, and please listen to this carefully, Baba says, if you experience the happiness of all relationships with the one Father, सर्व and you have the experience of attainment from the love of all relationships, then your intellect cannot be drawn to any other relationship. करते हो,
सो बाबा इज मेकिंग दिस वेरी क्लियर किसी भी इफ यू एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स विद द वन फादर एंड यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ अटेनमेंट फ्रॉम द लव ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स देन योर इंटेलेक्ट कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी अदर रिलेशनशिप बाबा फर्दर सेज इन द मुरली द इंटेलेक्ट शुड बी टोटली एब्जॉर्ब इन ऑल रिलेशनशिप्स विद द फादर In every breath and in every thought. अभी बाबा से जो बाबा फादर से मेनी चिल्ड्रन स्टिल कंप्लेन दैट दे हैव मेनी वेस्ट थॉट्स तो कह रहे हैं कि दैट दे आर नॉट एबल टू लिंक देयर इंटेलेक्ट टू द फादर संकल्प बहुत आते हैं इवन अगेंस्ट देयर कॉन्शियस विश बाप की तरफ हमारी लगती intellect ही नहीं है becomes न चाहते हुए भी समथिंग कहीं न कहीं बुद्धि का लगाव चला so जाता बाबा है जिस talking about the प्रति complaint लगाओ that we children जिस वस्तु make. के Baba प्रति says लगाओ many children still complain लगाओ that they have many ways thoughts चाहते भी that they are not able to link their intellect to the father that even against their conscious wish their intellect becomes attached to something or other or that the responsibility of their household does not allow their intellect yoga to become stable फिर पांचवी बात बाबा पुरानी दुनिया का द कनेक्शन एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड चंचल बना मेक देयर एटीट्यूड अक्सर हमारे भाइयों का विशेष कुमारों की ये फरियाद they रहती are not है able कि क्या करें to हमें make सारा as दिन much ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है they would like जो ज्ञान में नहीं और दे आर नॉट एबल टू टेक अ हाई जंप और मायावी so this line that connections and atmosphere of whole world make their attitude mischievous और ऐसा वातावरण हमारी वृत्ति को about the complaint चंचल that we make especially we children especially kumars and also everyone उतना हम कर then नहीं Baba पाते says then they are not able to make such intense effort as they would like or they are not able to take a high jump इसी प्रकार Throughout की कंप्लेंट्स बाप दादा रिसीव्स बहुत मेनी आती है सच कंप्लेंट्स मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हुए यू कॉल योरसेल्फ अपनी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी और संस्कार से यू आर बीइंग कंपेल्ड बाय योर संस्कार एंड नेचर ऐसी बातें सुनते हुए व्हेन बाप दादा हियर्स ऑफ सच थिंग्स He is sweetly amused, और साथ साथ but he रहम also भी आता has है. mercy. जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते, ध्यान से listen सुने, to this carefully. अपने Baba स्वभाव says, since you are not able to erase your own संस्कार तो सारे और विश्व से How would you become one who erases the tamopradhan devilish sanskars of the whole world? How can a soul who is under the influence of his own sanskars liberate all souls who are under an external influence? How would someone remove the distress of others? When that one is being upset by his or her own sanskars. इसलिए बाबा कहते हैं तो इन सभी बातों से मुक्त होने की सरल युक्ति कौन सी है? What is the easy method to become free from such sanskars? जिसको हम स्लोगन के रूप में भी उठा सकते हैं. Now Baba is going to answer this. कर्म में आने Baba से says, पहले before you perform any action, the sanskars that emerge first in your thought are I will do this. I should be like this. मैं ये कर दूंगा. What does one think? Even I know how to do everything. मैं भी सब कुछ करना जानता हूँ. इस प्रकार के संस्कार्स इमर्ज संस्कार उत्पन्न होते हैं. जब जानते हो at the time, कि इस समय you know that your sanskars are showing their form in your thoughts, you should first of all instill the habit or practice of always checking your thoughts and seeing whether they are like those of the father. So Baba is saying that you should first of all instill the habit or practice of always checking your thoughts and seeing whether
दे आर बाबा हमें लाइक चेकिंग के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं और समाधान भी बता रहे हैं कि हर संकल्प की चेकिंग करो कि बाप समान संकल्प है अबाउट. फिर आगे बाबा कहते हैं जैसे thoughts. कई बड़े आदमी होते now, हैं बाबा, इतना सरल बाबा now, ने करके समझाया है जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं anything, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है. so, for जैसे राष्ट्रपति है बड़ा प्रधान अगर उनको कहीं किसी ने इनवाइट किया would यदि first उनको वहाँ पर भोजन ग्रहण करना है तो पहले उनके भोजन की person, उनके स्थान की वहाँ के वातावरण की सब पहले चेकिंग होती है. तो उस चीज की चेकिंग होती है जैसे प्रेसिडेंट है या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है फिर वे बाद में स्वीकार करते हैं. उन्हें कोई भी वस्तु भी देंगे तो पहले चेकिंग होती है कि कहीं people, उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है. वह बड़े आदमी वास्तव में आपके आगे What क्या है बाबा कहते हैं आप उनसे भी to? कई गुना बड़े हो. वो बड़े आदमी Now, आपके Baba आगे क्या है What are कहने का मतलब वो तो कुछ भी नहीं है. आपके राज्य में ये बड़े आदमी बड़ी अच्छी नशे की बात बाबा so, Baba बता रहे हैं. आपके राज्य में ये बड़े आदमी तो पांव भी Baba नहीं रख सकते. वो वहाँ आ भी नहीं सकते. अब भी आपके पांव पड़ने वाले हैं. अब भी आगे चल करके क्या होगा ये सारे बड़े बड़े लोग आपके पांव पड़ने वाले हैं. जब आप राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो Baba तो आप विशेष आत्माओं का fact, ये जो संकल्प even है now, ये संकल्प रूपी भोजन ये बुद्धि का भोजन है. Baba says, बाबा कहते हैं संकल्प जो है ना Baba वो आपकी says, बुद्धि fact, का even now, भोजन they है are to उसके fall, लिए भी चेकिंग होनी चाहिए. तो उसके लिए हमको चेक करना है कि हम अपनी बुद्धि को कैसा भोजन संकल्प Baba देते says, हैं. अगर नेगेटिव देंगे तो वैसा असर होगा. पॉजिटिव देंगे kingdom. तो वैसा असर होगा. जब In बिना fact, चेकिंग के now, स्वीकार करते हो तभी धोखा खाते हो. बाबा से सिंस यू आर बिकमिंग द किंग्स ऑफ किंग्स चलते एंड आर कॉल्ड द मोस्ट एलिवेटेड सोल्स ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि बिना चेकिंग के फॉर द इंटेलेक्ट ऑफ यू स्पेशल सोल्स स्वीकार कर लेते हो अर्थात कर्म करने लग पड़ते हो. बस जो मन में आया कर्म करना शुरू कर दिया. तो हर संकल्प को पहले चेक करो. When जैसे you accept सोने को यंत्र द्वारा चेक करते you हैं कि सच्चा है Therefore, या मिक्स first of all, है, check every रियल है Just अथवा रोल्ड गोल्ड you है, use an instrument ऐसे ही to measure ये चेक करो whether कि it is real or whether बाप दादा it is समान whether है it has something या mixed नहीं in it. है. Whether it तो is real gold or rolled gold, चेकिंग करो. In the same way, तो बाबा ने Baba स्लोगन दिया, एक तो बिना चेकिंग के स्वीकार करते तो धोखा खाते हैं. फिर वापस स्लोगन याद करें, Baba संकल्प बाप दादा के समान रखने से ही हम उसमें सफल होंगे. फिर आगे बाबा कहते हैं इस आधार से चेक करो और फिर वाणी और कर्म में लाओ. तो बाप दादा समान संकल्प करके फिर उसको वाणी और कर्म में लाना Baba है. Now says, बाबा कहते हैं आधार को भूल जाते हो तब शूद्रपन के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं. जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वो मूर्छित कर देता है. ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थि का स्वरूप दोनों ही मूर्छित हो जाते हैं. तो स्वरूप से मूर्छित हो जाते हैं. तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो. समझा.
बाबा विशेष आत्मा इन योर प्राइड अपनी शान में रहो शान तो परेशान नहीं होंगे स्टे इन योर विशेष आत्मा स्पेशल सोल और मैं क्यों विशेष आत्मा वह सिमरती रहे तो सामर्थ्य भी बना रहेगा और शान में भी रहेंगे तो हम परेशान भी नहीं होंगे। अच्छा ये तो हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे तो संस्कार। सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे शुद्ध व अशुद्धपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे और बुद्धि इस ही कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से वो फ्री हो जाएगी तो कंप्लेंट्स हमारी खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। यू आर नॉट दूसरी अपना नुकसान क्या होता है कि सारा समय बाबा से जो हमको सर्व संबंधों का सुख लेना है वो नहीं ले पाते। जो गोपियों और पांडवों के चरित्रों के गायन गाए हुए कि भाई अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना वह अनुभव अभी किया नहीं है। बाबा कहते हैं अभी वो अनुभव नहीं किया है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो लेकिन सर्व संबंधों के सुख की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए बाप के जिन संबंधों के सुख का अनुभव नहीं किया है उन संबंधों में बुद्धि का लगाव चला जाता है। इतना गहरा राज बाबा ने बताया है जिस भी संबंध से हमने बाप के साथ वो सुख का रस नहीं लिया है या वो संबंध बाप से नहीं जोड़ा है तो बाबा कहते क्या होता है वही संबंध में हमारा लौकिक में बुद्धि जाती है और हम उसके लगाव की आकर्षण में आ जाते हैं और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन हमारे लिए विघ्न रूप बन जाती है। तो सर्व सुखों की प्राप्ति में बाबा सेज सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी तो सारे दिन में बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व सुखों के संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएंगी और अभी अगर ये सुख नहीं लिया तो बाबा कहते हैं कि कब लेंगे अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे। आत्माओं से सर्व संबंध को सारा कल्प अनुभव करेंगे सारा कल्प हम जितने भी जन्म लेते जाएंगे हर जन्म में अलग अलग संबंध के सुखों का तो अनुभव हम करेंगे लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकेंगे कभी नहीं करेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और निरस्त अनुभव होंगे। बाबा कहते अगर बाबा में सर्व संबंधों के रस लेने में बिजी हो जाएंगे तो सर्व संबंध जो देह की दुनिया के हैं दैहिक हैं वो असार और निरस्त ऑटोमेटिकली हमको अनुभव होगा। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाए और उसका भटकना बंद हो जाएगा बाबा और आप इन सुखों के झूले में झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे।
बाबा से ऑल कंप्लेंट्स विल फिनिश बन एंड यू विल बिकम कंप्लीट. अपनी डू यू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स टू योर कंप्लेंट. ऐसे सदा अतिंद्रिय सुखों के झूले में झूलने वाले सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले टू दोस हु कॉन्स्टेंटली स्वयं को फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स विद द फादर चलने वाले टू द फ्रेंड्स ऑफ गॉड खुदा दोस्त हु कंसिडर देमसेल्व्स टू बी डिटैच्ड ऑब्जर्वर एंड द कंपेनियंस ऑफ द फादर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन गॉडली सर्विस टू द चिल्ड्रन हु आर इक्वल टू द फादर बाप दादा लव रिमेम्बरेंस. बाबा आगे कह रहे हैं कि सुनने में तो बाबा खुश होते फादर यू बिकम हैप्पी व्हेन यू लिसन टू दिस कहीं मजबूर हो जाते हो. फुलफिलिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सम ऑफ यू आर कंपेल्ड बाय योर संस्कार्स कितनी खुशी होगी. बाबा बाबा कहते हैं जरा सोचो तो एक्सपीरियंस सो मच हैप्पीनेस इन जस्ट लिसनिंग. इस समय How सभी हर्षित मुख वुड यू एक्सपीरियंस अभी बाबा के सामने form, सभी हर्षित मुख हो. एट दिस टाइम ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं so, का भी समय बच जाएगा cheerful in और this way, निमित बनी हुई आत्माओं का भी समय and also बचा the time of the instrument अभी souls. तक गिरने और चढ़ने और स्वयं को संभालने में और बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय in one place इसमें ही will जाता be saved है and ये accumulated समय in your तब income. बचेगा Now, जब हम Baba इन says, बातों से स्वयं को save. मुक्त करेंगे न्यारे बनेंगे और हम कमाई so करेंगे और अपना खाता saying, जमा Baba करेंगे saying, तो Now अब ये बचत करना सीखो save. तो समझा Do you understand? तो बाबा ने समय की बचत so करना Baba सिखलाया. समय का बचाना माना बाबा कहते time. हैं बाबा कि कमाई को करना. अच्छा अभी टीचर्स बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है. शुरुआत बाबा ने की है टीचर्स हर कर्म करके दिखाने के निमित्त है. टीचर्स की परिभाषा बाबा नंबर वार बताते जा रहे हैं कि टीचर्स माना हर कर्म करके दिखाने के लिए निमित्त. हर टीचर के पीछे देखकर चलने वाले करने वाले आगे बढ़ने वालों की कितनी बड़ी लाइन होती है. तो टीचर सही लाइन पर चलाने के निमित्त है. कर्म करके दिखाने के निमित्त फिर सही लाइन पर चलाने के निमित्त वह रुकती है तो सारी लाइन रुक जाती है. पूरी लाइन की जिम्मेवारी टीचर के ऊपर है. ऐसी जिम्मेवारी समझ कर चलो तो हर कर्म कैसा करेंगे. वैसे भी कहा जाता है कि जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है. जिम्मेवारी बहुत कुछ हमें सिखा देती है. जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं ना वैसे जिम्मेवारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है. तो हर टीचर के ऊपर इतनी विशाल जिम्मेवारी है. So ऐसा each समझने teacher से has भी a huge responsibility. अपने ऊपर अटेंशन रहेगा. अब अटेंशन रहेगा तो बाप और सेवा के सिवाय और कुछ भी बुद्धि में रहेगा says, नहीं. You will not have anything except the father जिम्मेवारी बड़प्पन लाती है. देखो बाबा जिम्मेवारी की कितनी सारी डेफिनेशंस बताते जा रहे हैं. जिम्मेवारी बड़प्पन लाती है. क्लियर यदि जिम्मेवारी नहीं है First, तो बचपन हो जाता है. जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है. टीचर को हर संकल्प हर कदम पीछे सोचना चाहिए कि मेरे पीछे कितनी जिम्मेवारी है. ऐसे भी नहीं कि ये जिम्मेवारी भारी करेगी बोझ रहेगा. नहीं जितनी ये जिम्मेवारी उठाएंगे उतना जो अनेकों की आशीर्वाद मिलती है वह बोझ खुशी में बदल जाता है. ट्रांसफर हो जाता है. वह बोझ फिर महसूस नहीं होता. हल्के रहते हैं. जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने वैसे आप सब भी तो निमित्त हैं.
जस्ट एज फादर ब्रह्मा बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट सो टू यू आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स और हल्कापन ऑल ऑफ यू बाबा सेज सरल करके बताते ब्रह्मा बाबा जिम्मेवारी और हल्कापन ऑफ बोथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मा बाबा में था फॉलो द फादर वे ऐसे ही आप बाप को फॉलो करो टीचर्स का स्लोगन है फॉलो फादर स्लोगन फॉर फॉलो फादर नहीं फॉलो तो सफल टीचर्स इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द फादर तो बाबा ने कितनी सारी बाबा सेज यू आर नॉट अ सक्सेसफुल बातें बताई कि जिम्मेवारी लेना बाबा टीचर्स के क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वेरियस डेफिनेशन टीचर का सर्टिफिकेट टेकिंग रिस्पॉन्स तो बाबा कहते टीचर का पहला सर्टिफिकेट है स्वयं से बाबा से द फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ अ टीचर इज टू दूसरों को संतुष्ट करना And first to make number others teacher content. Ki the first, the sign of a Baba first number hai, teacher is to remain rehna. content Pahli and make others content. Kya hai? Khud bhi Why would a rahe teacher aur not aane walon remain ko bhi content? Baba rakhe. is now asking. To santusht rehna aur santusht so after, karna. after explaining Teachers the sign of a first number teacher, that is to remain Teachers content chance kitne and make hai. others content. Phir Baba ko hi vichar so aaya now Baba ki is asking, teachers why would a teacher not remain rahengi? content? Kyunki unko Baba says Baba a teacher receives so many hai. chances. Puri season Baba the first chance murliyon ko wo sun sakti hai, to surrender. मधुबन में जाकर वो चांस ले सकती है द थर्ड चांस अभी बाबा नंबरवार अन्य चांस के भी वर्णन करते so, हैं एक चांस समर्पण होने का self, हम बाबा को सरेंडर हो गए द फोर्थ चांस इज दैट हाउएवर मेनी शी मेक्स सिमिलर टू हरसेल्फ शी हैज दैट चांस ऑफ सक्सेस इन हर एफर्ट दूसरा बाबा इज एक्सप्लेनिंग वेरियस चांसेस द फॉर अ टीचर The first chance is to surrender, second chance is to serve, the third chance is to be an instrument, and so the chance to pay attention to the self, and the fourth chance is that however many she makes similar to herself, she has that chance of success in her effort. Baba says a teacher has the chance of claiming the highest number through her effort. अटेंशन आता Baba जाता says, है और चौथा जितनों को आप समान बनाएंगे came, तो उसमें पुरुषार्थ की सफलता का चांस है हम जितना औरों को अपना बनाएंगे उतनी वो सफलता का so भी Baba चांस है सबसे ज्यादा पुरुषार्थ में नंबर लेने का भी चांस है नंबर लेने को भी हम जो चाहे ले सकते हैं आने वाले स्टूडेंट को तो हंस बगुला इकट्ठा रहना पड़ता है टीचर्स को तो वातावरण का भी अच्छा चांस मिलता है तो टीचर बनना अर्थात लॉटरी लेना लॉटरी की टिकट आती है ना करोड़ों टू विन अ लॉटरी लॉटरी की टिकट लेना बाबा सेज टीचर्स हैव अ वेरी गुड पार्ट इन द ड्रामा बाबा उनकी महिमा कर रहे हैं बाबा सेज टीचर्स को अपने भाग्य को देख खुश होना चाहिए अपनी When you keep a list of your attainments in front of you, do you see what you have received and how much you have received? Do all of you have a heart-to-heart conversation at Amrit Vela? Baba is asking. जो रू रिहान करने से बाबा सेज रस का अनुभव कर लेते हैं वो सारा दिन सफल रहेंगे अलवेले तो नहीं रहते सदा अपने ऊपर अटेंशन रहता है कि और भी रस आता है बाबा एक है नियम निभाने वाले दूसरे हैं प्राप्ति करने वाले तो आप सब तो प्राप्ति करने वाले हो ना अच्छा One is simply to follow a discipline and other is to be one who attains something. All of you are those who are attaining something. Are you not? Okay. Now there is personal meeting. The heading of this part is to fulfill the companionship in the confluence age. तो बाबा becomes कहते the foundation for the whole cycle. उनका पद का वो आधार बन जाता है.
अपनी नई दुनिया में कृष्ण के साथ झूला कौन झूलेगा? हाँ, तो सभी ने हाथ उठा दिया होगा। बाबा से झूलने का तो बड़ा मजा है। झूलाने वालों का तो पार्टी और है। सत्युग में तो महाराज कुमार महाराज कुमारियों को बाबा से झूला नहीं झूलाते, उनके जो दास दासी नौकर चाकर होते हैं वही झूला झूलाते हैं। जो यहाँ अपने जीवन में जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे हैं, टू हैव बीन विद द साकार फॉर्म इज अ मैटर ऑफ योर लक, ये तो लक है। बट व्हाइल बीइंग विद साकार रूप में हम साकार फॉर्म दोस्तों है तो बहुत लक है बड़ा, लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि का योग या साथ सदा याद रहा तो जीवन के आदि मध्य अंत तक बाबा से साथ रहे हैं टुगेदर और रहेंगे चाइल्डहुड वही वहाँ पर भी टुगेदर हर जीवन की आयु के भिन्न भिन्न पार्ट में बचपन में भी साथ में रहेंगे पढ़ाई में भी साथ में रहेंगे खेलने में भी और फिर राज्य करने में भी साथ रहेंगे तो यहाँ सदा साथ रहने वाले वहाँ की सदा साथ रहेंगे वहाँ भी सदा साथ रहेंगे जैसे उस फर्स्ट आत्मा को नशा और स्टे विद फादर खुशी होगी विल रिमेन वैसे in the साथ there. रहने वाली आत्माओं को भी फर्स्ट सोल विल वैसा ही नशा and और खुशी होगी इन द सेम वे क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है और बाबा को याद कर रहे हैं जो अभी बाप समान बनते हैं उनको वहाँ भी समान नशा होगा इक्वल टू द फादर सर्व स्वरूप के विल हैव सिमिलर इंटॉक्सिकेशन देयर विशेष पात्र देयरफॉर टू रिमेन द फादर इन ऑल फॉर्म्स इज आल्सो अ स्पेशल पार्ट में बाप साथ रहेगा द बेसिस ऑफ बीइंग विद कृष्णा आधार इन योर चाइल्डहुड जीवन के आदि मध्य और अंत तक साथ निभाने का है हियर जो निभाएगा उनकी बाल युवा वानप्रस्थ अवस्था में सदा बाप दादा उनके साथ होंगे। मजा तो इसमें है ना जो फर्स्ट में साथ रहते हैं ध्यान से सुनें जो फर्स्ट जन्म में साथ रहते हैं वो फिर 84 जन्मों में भक्ति काल में बाबा अल्पकाल के राजा बनने में व कोई भी पाठ बजाने में भी another, कोई ना कोई साथ का संबंध कायम करते रहेंगे। कितनी बड़ी प्राप्ति यानी ब्रह्मा बाबा के साथ हमारे हर जन्म के अंदर कोई ना कोई संबंध बनेगा 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 भक्ति भी साथ साथ शुरू करेंगे पढ़ेंगे भी साथ और पढ़ेंगे भी साथ कहते ना सुख में भी साथ दुख में भी साथ चढ़ाई में भी साथ तो पढ़ाई में भी साथ तो गिरने में भी साथ The तो अभी का of साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। अगर अभी हमने so बाबा के साथ सर्व संबंधों से निभाया तो बाबा कहते हैं सारे कल्प का ये साथ रहने का निभाने का आधार बन जाता है। अच्छा, ओम शांति शांति वरदान है आज का सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति के द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। इतना बाबा कहते संपन्न और भरपूर रहो कि मांगने का संस्कार भी न याद आए न मांगो। एक भरपूरता बाहर की स्थूल वस्तुओं से स्थूल साधनों से भरपूर लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो ध्यान से सुने स्थूल वस्तु या साधन न भी हो पर वो मन से यदि भरपूर है
तो मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने किसी भी कमी को महसूस नहीं करेंगे. वे सदा यही गीत गाते रहेंगे that they lacked anything and that they would constantly be singing the song I have attained everything. Baba says they would not have the slightest sanskar of asking for anything. Slogan for today, purity is such a fire that everything bad becomes burnt within it. पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जल करके भस्म हो जाती हैं. अच्छा ओके. ओम शांति शांति. ओम शांति शांति. याद प्यार रह गया हम मीठे मीठे रूहानी बच्चों का. मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग. ओम शांति. ओम शांति. खुशियों